हेलो गाइस, मैं हूं अप्रेश मैं दिशा और हम हैं फोर कार्ड। सो गाइस, आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज अभी हम लोग जो आप लोगों ने जितनी भी आप लोगों ने पढ़े हो, जितना भी पढ़े हो, वो सब हम लोग आज बख्शाएंगे इंशाल्लाह। और गाइस, आज हम लोग जाने वाले आयशा के घर पे। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक एक कमेंट पढ़ा हूँ, सब कमेंट को लाइक भी किया हूँ और सब कमेंट का रिप्लाई भी किया, बहुत से कमेंट का रिप्लाई किया। गाइज, थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआ के लिए और इतने सारे प्यार के लिए। तो गाइज, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि गाइज, आप लोगों के पास जो है उस चीज़ का अल्लाह से शुक्र करते रहो, क्योंकि ऐसा बहुत चीज़ें रमज़ान में चेंज हो गई है इस रमज़ान में। मैंने परसों वाली वीडियो पे भी लिखा था शायद कि बहुत चीज़ें इस रमज़ान चेंज हो गई है। कुछ लोग ईद में अपने अब्बा और अम्मी को गले लगाएंगे और कुछ लोग ईद में अपने अब्बा अम्मी से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाएंगे। तो गाइज, बस यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जो है, घर वाले जितने भी लोग हैं, जितना भी अल्लाह ने दिया, उस चीज़ का शुक्र अदा करो। तो अभी मैं इफ्तारी का सामान भी ले लेता हूँ, लेट ना हो जाए। परेशान कर रहे हो। तो गाइज, हम लोग सामान वामान लेने चले जाते हैं और जितनी भी चीज़ आप लोगों ने दिए हो वो बख्शा देते हैं अब्बा को, ठीक है? तो ख्याल रखो अपना, चलो अभी चलते हैं। तो गाइज, अभी दिशान कंफर्म कर रहा है कि उसके घर में फ्रूट है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो ले लिया। कड़ी का क्या लेने का है? अनानास ही लेने, बाकी सब है। बाकी सब है तो ले ले तू, खरबूजा ले, मैं सामने से मिठाई लेके आता हूँ। खरबूजा। हाँ, तो गाइज, मैंने ले लिया हूँ मिठाई न्याज दिलाने के लिए और दिशान भी ले लिया है शायद वो खरबूजा। हाँ, ये सब सामान लेके मैं घर पे आ गया हूँ और काशिफ भाई अभी न्याज देने जा रहे हैं, वो अभी वजू कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे और उसके बाद फिर न्याज देते हैं। तो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह नियाज हो गई है और अभी यहाँ मम्मी कड़िंगर काटने खड़े हो गए। हट जाओ मम्मी, मैं काटूंगा। रहने दो माते, आप रहने दो, रहने दे रे माँ, रहने दे। मत काटो, आपसे नहीं कटता, सही नहीं काटते आप। आज हम लोग ने, दोनों ने भी फुल ब्लैक पहने हुए। ये मामा भांजा, शायद भांजा ही है मेरा। हाँ, भांजा। तो यहाँ पे ये मम्मी, नहीं भतीजा, जो भी हो, मेरे को मामू बोलेगा ये। हाँ, है ना। खुद आ जाते को ये लव लव यू। हाँ, दी दी, सही से बोल। बेबी बोल, एक्टिंग कर रहा, अभी एक्टिंग कर रहा है। बेबी अभी एक्टिंग कर रहा है, छोड़ो जाने। बेबी, हाँ, बेबी अमीना। बेबे बोलता है, बेबे भाई को बोलते है, सुनो ना। बेबे बेबी बोलता है। मम्मा अमीन बोलो, अमीन। हम लोग अभी इफ्तारी हो गई हम लोग की अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर पे आयशा के घर पे बात हो गई है मेरी। तो गाइज, अभी हम लोग थोड़ी देर में बस निकल रहे हैं यहाँ से, मम्मी लोग को लेके निकलता हूँ और मुमानी लोग भी आएंगे और अरफात मामू और मुमताज मानी भी आएंगे और फरदीन मामू। हाँ, फरदीन मामू और मुमताज मानी भी आएंगे। तो सब आ रहे, सब चल रहे हैं, देखते हैं। तो आयशा की अम्मी इद्दत में है तो वो रहेंगे, हाँ मिल नहीं पाएंगे। और वो है अपनी बहन के घर पे, मतलब उनकी सगी बहन के घर पे, तो उनके घर पे रुके हुए वो, तो वो वहाँ पे ही रहेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जाके मिलते हैं आयशा से और सब घर वाले, मम्मी लोग मिल लेंगे सब आयशा के अम्मी से, है ना। चलो, तो गाइज हम लोग निकल गए हैं, बस पहुँचने ही वाले। फरदीन मामू और मुमताज मानी भी बस बाइक से निकल गए थे, वो भी पहुँचने वाले। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए, जिशान और बिलाल को देखो, लोग लास्ट की सीट बिछा के यहाँ भी लेट गए। लो, लेटने को ही चाहिए। अक्षत सो गया, कराटे ले रही है, सो गया। तो वो देखो गाइस, भैया मम्मी बैठे। तो गाइस बस पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं सबसे। हम लोग पहुँच गए हैं, तो आयशा के भाई अभी लेने आए हैं हम लोग को। चलो चलते हैं। अब बिलाल को देखो गाइस, कैसा सो गया था एकदम मस्त वाला। निशान भी आधी नींद तो मारा ही रहेगा तू भी, है ना। मैं भी सोया था, लेटा था। सही है, अच्छी जगह हो जाती है, अब तो लेटना पड़ेगा लग रहा पीछे। तो गाइस हम लोग ने सबसे मिल लिए है, तो क्या बोलूँ, मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं है गाइस कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ फीलिंग्स को।
बस ये बोलूंगा कि गाइज आप लोग दुआ करो सब ठीक रहे और सबको सबर दे, और तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बस मैं निकल ही रहा हूँ, मामू लोग बाहर खड़े हुए हैं और मम्मी पीछे बैठे हुए यहाँ पे, और जिशान और बिलाल वापस वहीं सो गए। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ रुके हैं कुछ लेने के लिए, खाने के लिए। तो मम्मी को बल्ली मलाई खाने का था, तो मम्मी बल्ली मलाई खा रहे। मामू मुमानी गए हुए हैं तेल वेल या कुछ लेने के लिए, तो वो आएंगे फिर उसके बाद निकले। मैं सोच रहा हूँ सैरी के लिए कुछ खाने के लिए है नहीं, तो एक सालन ले लेता हूँ सैरी के खाने के लिए, है ना? क्या बोलते, खाओ ना आप, खा लो, इतना जिद कर रहे तो खा ही लेता हूँ। तो गाइस बस सालन लेता हूँ, फिर देखते लोग कब तक आते। बहुत टाइम बाद अमन आ गया है, बहुत दिन बाद। कुछ उसको सामान लेने हम लोग बोले थे इस बार भी, तो वो इस बार भी काम आ गया। देखो गाइस यहाँ पे पकड़ा था, इस बार भी कुछ लेके डिलीवर करने आया। तो गाइस बस मिले इससे, ईद की सब शॉपिंग हो गई तेरी? अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गई। शुएब की भाई का भी हो ही गया होगा सब कुछ। शुएब भाई भी बहुत ज्यादा बिजी है, उनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग के लिए वो कुछ लेके आ नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा बिजी रहते है ना। मम्मी यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए, मम्मी बस चल रहे चल रहे, अभी रुक जाओ। तो गाइज हम लोग यहाँ पे काशिफ भाई की बाइक पे घूम रहे हैं, घूम रहे नहीं थे, सामान लेने निकले थे। हम लोग के पास घर में ना पराठे खत्म हो गए थे, जो रेडीमेड पराठे रहते जो शहरी में खाते। अब बिलाल लोग गए सालन लेने के लिए, मैंने पराठे लेने चले गया था मामू के साथ, तो वो हम लोग ले लिए है, चलते अभी बस। जिशान लोग जैसे ही आएंगे सालन वालन लेके फिर निकलेंगे घर पे। इस बस हम लोग निकल ही रहे, तो इन लोग ने सालन लेकर आ गए है। चलो घर, चलो मन में हम लोग का शॉर्ट हो गया, आते हम लोग। हाँ नहीं, इन लोग को इसमें ही मजा है, आराम लग रहा है, उन लोग को जगह ज़्यादा मिल रही है यहाँ बैठने के लिए। तो चलो गाइस निकलते हम लोग भी, काशिफ भाई लोग भी मिल लिए हैं, काशिफ भाई लोग से भी मिल लिए हैं। चलो काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो, फिर मिलेंगे वापस इंशाल्लाह। चलो अच्छी अमन, हाँ चल बच्ची। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए हैं, और साले कीमा क्यों नहीं ले, क्या बनता खुला ही था, झूठ बोल रहा बंद है इसने, लिया खत्म हो गया था पूछा, हाँ। इसने लिया नहीं, झूठ बोल रहा, पता ही नहीं जैसे कीमा नहीं मिलता है, पास खत्म हो गया। मुमानी से पूछना तू, मुमानी से पूछ। अक्षय साले लेने गए थे, क्या बोले कीमा आएगा सैरी में खाऊंगा, लास्ट सैरी में तो मिले, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में खिला देंगे, खत्म हो गया था लेकिन। लेकिन ये झूठ बोल रहा है, उसमें को बोला रोटी वोटी बनाने, वो आटा वाटा गूंथ के रख भी दी, सो सैड। तो गाइस हुदापी को ईदी पहुंच गई है, हुदापी का रिएक्शन देखो, हुदापी और भाईजान को कैसा लगा देखो, आप लोगों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा, और अब फाइनली मेरा और रियाज का ईदी आ गई है, तो अभी मैं इसको देखती हूं क्या भेजा है अमरीश ने। पाड़ो पाड़ो मेहनत करो, जोर लगा के, जितना कचरा फैलेगा उतना साफ करने भी टाइम लगेगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फेंक दूंगा उठा के, हाँ मालूम है इसके लिए, तो स्ट्रगल इज रियल, कितना स्ट्रगल कितना स्ट्रगल कितना स्ट्रगल। थक गई ना, अरे वाह बहुत अच्छा है, अच्छा है ना, हाँ सफेद सफेद, सफेद कपड़ों का मेंटेनेंस बहुत भारी होता है यार। वाह वाह, मेरी ब्लैक कलर में परी लगती है एकदम मस्त, वाह। ना तुम भी तो छोटी बच्ची से कम हो गया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, थैंक यू मम्मी अमरीश, थैंक यू। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है उदापी को, उदापी की ईदी बहुत अच्छी लगी, भाईजान को भी उनका कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लग रहा है कि उन लोग दोनों को, उन लोगों को जो गिफ्ट दिया वो बहुत अच्छा लगा। उदापी थोड़ा बोली कि वो बच्चे जैसा है, लेकिन ठीक है अच्छी दिखेगी, उदापी बहुत प्यारी दिखेगी, भाईजान बोले ना ब्लैक में वो बहुत अच्छी दिखेगी, तो बहुत अच्छी बात है।
कैसा आप लोगों को मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मेरी फीलिंग्स इस वक्त कि क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो बस ये बोलूंगा आप लोग दुआ करो सबके लिए, सबके लिए दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, जिस आज अभी तक ये मैसेज आ रहा है कि हमने इतना कुछ पढ़ लिया, बख्शवा दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम लोग ने बख्शवा भी दिए है गाइस, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से। तो बस आप लोग सब अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। तो ऐसी दुआ करते रहो गाइस। सो गाइस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमरकत, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।